नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कंचन कौर है। मैं मेदांता में ब्रेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हूँ। नॉर्मली जब भी हम ब्रेस्ट या स्तन का नाम सुनते हैं तो सबके मन में कैंसर का भय आ जाता है, लेकिन अधिकतर ब्रेस्ट में जो दिक्कत या समस्याएं होती हैं वो कैंसर रिलेटेड नहीं होती, और आज हम इन्हीं समस्याओं के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। अधिकतर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि आजकल छोटी छोटी बच्चियां भी 14-15 साल की उम्र में, जब अभी पूरी तरह से स्तन का आकार बना नहीं होता, आजकल मार्केट में इतनी फैंसी अंडरगार्मेंट्स और ब्रास हैं जिसमें वायर होती है, पैड होता है, सिंथेटिक अंडरगार्मेंट्स होते हैं, और बहुत बार ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्या उसका पहनना सेफ है, उससे कोई और बीमारी तो नहीं बन सकती। अब नॉर्मली कोई भी अंडरगार्मेंट आप पहने, उससे ब्रेस्ट के अंदर कैंसर बनने का या कोई और इन्फेक्शन, कोई और बीमारी बनने का खतरा उतना नहीं होता है। लेकिन हमें ये समझना है कि जब छोटी बच्ची का 14-15-16 साल की उम्र में ब्रेस्ट अभी बन रही होती है, तो उस समय पर बहुत ज्यादा कसा हुआ या टाइट अंडरगार्मेंट पहनना ठीक नहीं रहता है। बच्ची को समझाना है कि उसको लूज अंडरगार्मेंट पहनना है। अंडरगार्मेंट पहनाना जरूरी है जब स्तन बनना शुरू हो, नहीं पहनने से स्तन के लटकने का डर हो जाता है, लेकिन इसको बहुत कस के नहीं पहनना है। और अंडरवायर्ड ब्रास जब तक ब्रेस्ट फुली डिवेलप ना हो जाए नहीं पहने तो ठीक है। एक और चीज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में क्योंकि गर्मी का मौसम है और यहाँ पर अब बाहर से विदेश से आई हुई हम लोग नायलॉन के अंडरगार्मेंट्स पहनते हैं, तो छोटी बच्चियों की ब्रेस्ट्स में हम लोग इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देख रहे हैं, क्योंकि बच्ची नायलॉन का जो नॉन ब्रीदेबल गार्मेंट हम बोलते हैं, मतलब उसमें हवा का प्रसाव अच्छे से नहीं रहता, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में या निप्पल के आसपास बहुत पसीना आने की वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कभी भी बच्ची को ये समझाइए कि ये जो नायलॉन अंडरगार्मेंट्स, अंडरवायर्ड अंडरगार्मेंट्स हैं, छोटी उम्र में ना पहने तो बेटर है। कभी भी ब्रेस्ट पे ऐसे लाली दिखे या निप्पल से कभी भी पस का रसाव दिखे तो तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाके समय पे एंटीबायोटिक शुरू करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर अगर एक बार इन्फेक्शन जड़ पकड़ ले तो उसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सी महिलाएं बीड़ी, सिगरेट या हुक्का पीती हैं, और हम लोग अपने मन में कभी ये नहीं सोचते कि इसका ब्रेस्ट पे या स्तन पे कोई असर हो सकता है। नॉर्मली तो हम यही सुनते हैं कि बीड़ी पियो या हुक्का पियो तो उससे लंग्स का या फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, लेकिन बीड़ी या सिगरेट के धुएं से ब्रेस्ट में भी बहुत खतरनाक बदलाव आ सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट लिंक कैंसर से तो नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट के अंदर इन्फेक्शन होना सिगरेट पीने वाली औरतों में बहुत ज्यादा देखा जाता है, और ये ऐसी इन्फेक्शन होती है जो कि जल्दी से ठीक नहीं होती, क्योंकि दूध की नलियों के आकार में सिगरेट का धुआं जो है एक ऐसा बदलाव लाता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर पस बननी शुरू हो जाती है, और वो पस बन बन के स्किन के थ्रू, चमड़ी के थ्रू बाहर आती है और पूरी छाती का आकार जो है वो बदल जाता है। और ऐसे पेशेंट कितना भी अगर सिगरेट पीना बंद भी कर दे, फिर भी इनकी इन्फेक्शन को ठीक करने में हमें महीनों और साल लग जाते हैं। इसलिए सबसे हम लोग ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप सिगरेट या बीड़ी पीते हैं तो पहले तो ना पीजिए, और अगर पी रहे हैं और कोई बदलाव अपनी ब्रेस्ट में दिखा है तो उसको तुरंत बंद करें, क्योंकि एक बार वो इन्फेक्शन जड़ पकड़ ले तो उसमें अच्छे से अच्छी दवाई भी बहुत बार असर नहीं करती। मैं आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आपको जानकारी दी उससे आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई भी शक है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर लिखिए, तो हमारे डॉक्टर आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है जिसके लिए आप मेरे पास आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए तो उसके जरिए आपको मेरी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बताया जाएगा। धन्यवाद।